वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके यूट्यूब चैनल पर आज हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख ब्यूटी कॉन्टेस्टों के बारे में जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह न्यू वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम आज जानेंगे मिस यूनिवर्स के बारे में। मिस यूनिवर्स जो विश्व का एक सुंदर प्रतियोगिता में एक गिना जाता है, इट इज़ ए इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। इसके बाद मिस यूनिवर्स को स्टार्ट किया गया था 1952 में, 1952 में पहली बार शुरू किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में होता है जो अमेरिका में अवस्थित होता है। स्टार्टेड बाय कैलिफोर्निया क्लॉथिंग कंपनी, कैलिफोर्निया का एक क्लॉथिंग कंपनी है जो मिस यूनिवर्स सुंदरी प्रतियोगिता को पहली बार 1952 में शुरू किया था। इसके बाद भारत का पहली महिला सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स टाइटल को हासिल किया था। सुष्मिता सेन कब ना 1994 में सुष्मिता सेन पहली बार मिस यूनिवर्स को हासिल किया था। नेक्स्ट मिस वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। मिस वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा सुंदरी प्रतियोगिता टाइटल माना जाता है। स्टार्टेड 1951 में पहली बार मिस वर्ल्ड सुंदरी प्रतियोगिता को शुरू किया गया था। ओल्डेस्ट ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑफ वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे पुराना ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, ये भी याद रखिए। विश्व का सबसे पुराना ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस वर्ल्ड होता है, 1951 में पहली बार शुरू किया गया था। इसका हेडक्वार्टर लंदन में होता है, ये भी याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर लंदन। फर्स्ट इंडियन रीता फारिया 1966 में मिस वर्ल्ड टाइटल हासिल किया था। ये भी याद रखे रीता फारिया जो पहली भारतीय महिला है किसी भी विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में टाइटल हासिल किया, ये भी याद रखे। नेक्स्ट ऐश्वर्या राय जो 1994 में मिस वर्ल्ड टाइटल हासिल किया था। इसके बाद दानिया हेडन 1997 में तीसरी भारतीय महिला के रूप में मिस वर्ल्ड टाइटल हासिल किया था। इसके बाद युक्ता मुखी 1999 में, इसके बाद प्रियंका चोपड़ा जो 2000 प्रियंका चोपड़ा 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड टाइटल हासिल किया था। इसके बाद मानुषी छिल्लर 2017 में मानुषी छिल्लर मिस वर्ल्ड टाइटल हासिल किया था। ये सब याद कीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम जानेंगे मिस आर्थ के बारे में जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मिस आर्थ को पहली बार 2001 में शुरू किया गया था। मिस आर्थ को इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी यह होता है। इसके बाद हेडक्वार्टर मानीला फिलीपींस, मिस आर्थ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना, मानीला फिलीपींस, ये भी याद रखिए। हेडक्वार्टर में किसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद एम, इसका मिस आर्थ को गठन करने का मुख्य उद्देश्य था प्रमोटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, विश्व परिवेश सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने का मुख्य उद्देश्य था मिस आर्थ का शुरू करने के। फर्स्ट रिसिप्ट कैथरीना सेवेनसन डेनमार्क का पहली महिला मिस आर्थ हासिल किया था। इसके बाद इंडियन ओन भारत 2010 में भारतीय महिला निकोला फारिया मिस आर्थ टाइटल हासिल किया है, ये भी याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट। एग्जाम के लिए सभी भारतीय महिलाओं का नाम याद रखिए, एग्जाम में वही ही आएगा। धन्यवाद फ्रेंड, इसी तरह न्यू एजुकेशनल लेवल पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।